नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तीर्थ नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने अपने संघ किया दर्शन पूजन स्नान। गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर दर्शन पूजन और स्नान किया गया। वहां पहुंचने पर वहां देखने को मिला कि सभी आयोजन व सौंदर्य की व्यवस्था अत्यंत ही सुंदर की गई है। वहां अलग अलग रूप से श्रद्धालुओं के लिए समस्त व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए समस्त संसाधन युक्त प्रयागराज सुशोभित लग रहा था। वहां पंडित दिवाकर चतुर्वेदी गुरु जी द्वारा बताया गया कि राजा भागीरथ जी के घोर तपस्या के बाद प्रभु शिव अपने जटा से मानव व समस्त के कल्याण के लिए भागीरथ जी के साथ गंगा जी को धरती पर छोड़ दिया था। और ये भी कहा कि दर्शन और स्नान के लिए सौभाग्य की आवश्यकता होती है। अमावस्या के स्नान का जिक्र करते हुए कहा कि मकर माघ माँ के किरणें और संगम के लिए समस्त रोगों और व्याधियों को मुक्ति दिलाता है तथा सारे पाप कट जाते हैं। साथ में गुरु श्री अनिरुद्ध दुबे जी ने गुरु दयाशंकर तिवारी जी, भैया अवनीश पांडे जी, शिष्य आदित्य त्रिपाठी जी व गौरव प्रताप सिंह जी के सानिध्य में रहा। उसके उपरांत दुनिया का वो अकेला पवित्र मंदिर जहाँ प्रभु हनुमान जी लेते हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि लंका विजय के बाद बजरंग बली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तो मां जानकी ने इस जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरंजीव रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान के लिए पहुंचकर संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। ऐसे में प्रभु का भी भव्य दर्शन हुआ।